हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा यूसेज क्या है और किस काम में हम इसको लेते हैं, और वैसे यहाँ पर इनेबल कैसे होता है, डिसेबल कैसे होता है, ये सारी चीज़ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कैसे यूज़ करना है और क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना होगा अगर आप जानना चाहते हैं डेटा यूसेज क्या है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, लाइक करने के साथ साथ हमारी इस वीडियो को शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको डेटा यूसेज का मीनिंग बताते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, ये हर किसी के एंड्रॉयड मोबाइल में मिलता है, इसका ये एक ऐसा नहीं है कि किसी किसी के मोबाइल में मिलेगा, या हर किसी के मोबाइल में आपको डेटा यूसेज का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर डेटा यूसेज के बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डेटा यूसेज बता देता है कि आपने अपना डेटा कहाँ खर्च किया, कहाँ आप यूज़ करते हैं और किस किस जगहों पर आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ आपको डेटा यूसेज बता देगी, व्हाट्सएप, प्ले स्टोर, यूट्यूब, क्रोम और यहाँ पर हॉटस्पॉट के थ्रू। तो सब चीज़ यहाँ पर बता देती है हमारी, जो हमारा डेटा यूसेज होता है। और यहाँ पर वाईफाई के थ्रू जो डेटा यूज़ हुआ है वो भी दिखा देती है। उसके बाद यहाँ पर जो है वोडाफोन के जो हमारे दोनों सिम है, तो यहाँ पर ये सब कुछ बता देती है कि आपने कितना डेटा किस किस तारीख में यूज़ किया है। और इसका सर्कल भी आप बना सकते हैं, किस तारीख से कितना तारीख तक आप कितना डेटा यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे अगर आपको लगता होगा जियो कम मेमोरी देता है, कम जीबी देता है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फुली डिटेल मिल जाएगी, एक दिन की, दो दिन की, तीन दिन की, जितनी चाहे उतनी डिटेल आपको यहाँ पर ये डेटा यूसेज दे देता है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर इसके बेनिफिट्स की बात हो गई, अब यहाँ पर इसके जो है नुकसान की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपने 1 GB का टारगेट लगाया, 2 GB का टारगेट लगाया, तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन भेजता है। नोटिफिकेशन बहुत ही घटिया किस्म की नोटिफिकेशन होती है, जो जाती ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि वो नोटिफिकेशन नहीं जाती। वैसे आप यहाँ पर सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, उसको हाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो है इसकी स्कैनिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मेरा यूसेज जो है टारगेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जो है वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ अपना, तो इस वजह से यहाँ पर मैं उसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। अदरवाइज़ अगर मैं अपना मोबाइल का डेटा यूज़ करता तो उसको सिलेक्ट कर सकता था। तो यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं अपने सिम को, और अगर वाईफाई को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये आपको सिंबल नहीं मिलेगा। तो ये यूज़ होता है दोस्तों यहाँ पर डेटा यूसेज का। अगर यहाँ पर आपको डेटा यूसेज से और कोई आपको प्रॉब्लम आती है, या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप अपना अपना सपोर्ट जो है हमारे